आज हम बनाएंगे बची हुई मलाई से देसी घी। ये मेरी 3 दिन की बची हुई मलाई है, इसे मैंने फ्रिज में रख लिया था और बनाने से हम 2 से 3 घंटे पहले इसे निकाल कर रख लेंगे और उसके बाद हम इसे एक बर्तन में डालकर इस तरीके से बीट करेंगे। हम इसे एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। आप देख सकते हैं ये जो है मलाई से मक्खन अलग होने लगा है। ये देखिए ये मक्खन जो है वो बीट करते हुए मलाई से अलग हो रहा है और ये हम इसी तरीके से थोड़ा सा और बीट करेंगे। मक्खन मलाई से पूरी तरीके से अलग हो चुका है। हम एक बार इसे स्पून से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अब हम ठंडे पानी की मदद से मक्खन को इस तरीके से वॉश कर उस बर्तन में रख लेंगे जिसमें हमें देसी घी बनाना है। हम फ्रिज के एकदम चिल्ड वाटर से इसे इस तरीके से वॉश कर लेंगे। हम सभी मक्खन को ऐसे ही इससे निकाल लेंगे वॉश कर। उसके बाद हम लो फ्लेम पर इसे पकाना शुरू कर देंगे। हम इसे इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। आप देखिए ये पिघल रहा है और अब आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से पिघल चुका है और ये लो फ्लेम पर पकते पकते इसी तरीके से देसी घी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए लो फ्लेम पर पकते पकते ये देसी घी के बलून जो हैं वो छोटे छोटे बनने लगे हैं। बस हम इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। हमें इसकी फ्लेम को लो ही रखना है। हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल जाएगा और इसके अंदर जलने की स्मेल आने लगेगी। हम इसी तरीके से लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे। ये देखिए हमारा लगभग 90% तक देसी घी तैयार हो चुका है। हम इसे थोड़ा और पकाएंगे जब तक कि ये जो मक्खन है इसका कलर चेंज होकर ब्राउन सा ना हो जाए। और बस ये देखिए हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे छान लेंगे। आप भी देसी घी इसी तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।